नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरडीएच सर चैनल। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जो है उसके लिए लेवल 2 में जो आईवीआर कॉल आता है उसकी जानकारी बताने के लिए हमने वो आईवीआर कॉल जो है हमारे एक वीडियो में एक जो है एम्ड करके उसको सुनवाया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिएगा, उसकी जो लिंक है वो आपको आई बटन पर दिख रही होगी। अभी केबीसी सीजन 12 के लिए जिन लोगों को लेवल 2 में आईवीआर कॉल आया हुआ है उन्हें ये कहा गया था कि अगर आपका सिलेक्शन होता है अगले राउंड के लिए, क्योंकि 43,949 लोगों को जो है लेवल 2 के लिए आईवीआर कॉल गया हुआ है, और उन 43,949 लोगों में से या पार्टिसिपेंट्स में से 6,500 जो ऑडिशनी रहेंगे, जी हाँ हम बिल्कुल सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, 43,949 लोग जो है जिन्होंने, क्योंकि केबीसी में जो रजिस्टर तो बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने जवाब दिए हैं एसएमएस या सोनी लिव ऐप के जरिए, उनमें से सिलेक्टेड 43,949 लोगों को लेवल 2 के लिए कॉल आया जिसमें 3 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 2 सवालों के लिए विकल्प दिया गया था और एक सवाल जो है वो नियर टू करेक्ट आंसर के तहत बताया गया था, जो जिसका आंसर कोई तो भी संख्या थी। अब जिन्होंने लेवल 2 के लिए रिस्पांस दिया हुआ है, लेवल 2 में जिन्होंने कॉल उठाया है उनको बिल्कुल लेवल 3 के कॉल का इंतज़ार होगा। बहुत उनको ये लेवल 3 वाला कॉल जो कि लेवल 2 के कॉल के 10 दिन के बाद आने वाला था वो कॉल भी आने शुरू हो गए हैं। मैक्सिमम लोगों को दोस्तों ये कॉल आ गए हैं, कुछ लोगों को ये कॉल अगर नहीं आया है तो हो सकता है आगे भी आ जाए। अगर आपको ये कॉल आया हुआ है तो आप किसको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और अगर आपको ये कॉल नहीं आया तो धैर्य रखिए, हो सकता है शायद आपको ये कॉल आ जाए। हालांकि अगर आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको लेवल 3 का कॉल आया क्या। हमारे लिए भी एक खुश खबरी है, वो मेरे पर्सनल के लिए तो मैं नहीं कह सकता खैर, पर और थोड़ा सा मैं माफ़ी भी चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुत्तों के भूखने वगैरह की आवाज़ आ सकती है, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है इस वीडियो में। तो हमारे जो दर्शक है मध्य प्रदेश से है, मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि केबीसी की जो शर्तें हैं अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट नंबर 26-27 में शायद ये चीज़ दिखाई देगा, हम उसको दिखा भी देंगे कि शर्तों में कि आपको ये जानकारी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो गोपनीय रखनी है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारे जो दर्शक है उनकी रिलीज़ ना हो, इसलिए हम उनका नाम जानबूझकर, हमारी इच्छा बहुत है फिर भी हम नहीं बता रहे हैं। तो उन्हें भी लेवल 3 के लिए कॉल आ चुका है, मतलब अभी लेवल 4 ऑडिशन के लिए उनका चयन हो गया है, तो उनको भी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। अगर वो उनका नाम भले ही हम नहीं ले रहे पर अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि उनका मतलब हम किन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब लेवल 2 का आईवीआर कॉल जब हमने सुनवाया उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ दर्शकों ने जो है कमेंट में अपने सवाल किए थे, उस पर भी हमने उन सवालों को लेकर भी जो है हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने FAQ या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के नाम पर 8 सवालों के जवाब दिए थे। उनमें एक सवाल यह था दोस्तों कि जो जिन्होंने 3 सवाल जैसे पूछे गए हैं, किसी सवाल का गलत जवाब दिया, मतलब 3 में से 2 सवालों के जवाब सही दिए या एक ही सही हो गया, तो उनका क्या होगा। उस पर हमने ये कहा था कि हमारा अगर पर्सनल राय अगर पूछी जाए तो उनके चांसेस कम है। उस चीज़ पर भी हम उस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में भी थोड़े विस्तार से देना चाहेंगे, और उसके बाद में जो लेवल 3 का जो आईवीआर कॉल है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लेवल 3 जो है उसके लिए सेकेंड आईवीआर कॉल, क्योंकि लेवल 2 में एक आईवीआर कॉल आ जाता है वो फर्स्ट आईवीआर कॉल हो गया, तो लेवल 3 में अभी जो आईवीआर कॉल आएगा वो सेकेंड आईवीआर कॉल होगा, तो वो भी हम लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे, तो वो तो सुनवाएंगे ही, उसी के लिए ये वीडियो है। पर कुछ दर्शकों के सवाल थे करके वो देना भी ज़रूरी है, वो ये लेवल क्योंकि वो 3 सवालों का विचार
सिर्फ इसीलिए होगा कि लेवल थ्री का जो कॉल है, मतलब ये आईवीआर कॉल जो है, ये किसको किया जाए और किसको नहीं किया जाए। तो अगर आपका चयन हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। और हमने ये कहा था कि 43,949 लोगों को कॉल जाएगी, चयन करना है लेवल थ्री के लिए सिर्फ 6,500 लोगों का। तो ऑब्वियसली तीनों के तीनों सही जवाब देने वाले भी बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, 10,000 के ऊपर ही रहेंगे। अब उसमें तीसरा जो सवाल है दोस्तों, थोड़ा माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड में सही में थोड़ा बार्किंग जो है, डॉग्स की आवाज़ थोड़ी आ रही है उसके लिए, तो बीच बीच में, तो ऑब्वियसली 6,500 लोग तो मिल ही जाएंगे। पर तीसरा सवाल जो है वो नियर टू करेक्ट आंसर वाला है। नियर टू करेक्ट आंसर वाले का जवाब सही, एग्जैक्टली सही देने वाले तो बहुत ही कम रहेंगे, शायद ना भी रहे। जिसको बहुत डीप नॉलेज है वो, या जिसका एकदम क्या बोलेंगे रिसेंटली पढ़ा हुआ है, वही उस प्रश्न का जवाब सही दे सकता है। अब यहाँ पे जो 6,500 ये लोगों का चयन किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाए, तो हम सबसे पहले तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पेज पर जाएंगे। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी है तो आप अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में, या हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। हम दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के जो पेज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। दोस्तों लेवल थ्री का ये जो के जानकारी बताने के लिए हमने setindia.com पर, मतलब सोनी लिव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, सोनी लिव की नहीं बोल सकते पर सेट इंडिया, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे KVC सीजन 12 की अधिकृत जानकारी आपको मिल जाएंगी डिटेल्ड में, वो ओपन किए हुए हैं। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिंक है, पर हमने जानबूझकर अंग्रेजी वाला पेज ओपन किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जहाँ पे कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट होता है तो वहाँ पे अंग्रेजी वाली TNC को ग्राह्य माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, तो करके हमने डायरेक्टली इंग्लिश वाला ही पेज ओपन किया। अब यहाँ पे इवन बहुत सारे प्रतिस्पर्धियों ने जो SMS किए, उनमें से जिनको लेवल टू का कॉल आया उसके लिए भी वो कॉल किसको किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमने इसके पहले भी कहा है कि सोनी लिव के पास एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर जो है कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी यहाँ पे सेट किए हुए हैं, मतलब जो है प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही डिफाइंड जो निश्चित एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, मतलब एक आरक्षण कैटेगरी यहाँ पे रखी हुई है, और उस आरक्षण कैटेगरी में कुछ जोन बनाए गए हैं। ये जोन की जानकारी हम एक एक पढ़ के नहीं बताते, आप जो है आप इस पेज पर आके देख सकते हैं। उसके अलावा मतलब एक तो जोन, दूसरा हो गया जेंडर, और तीसरा हो गया एज। उस ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड रिजर्वेशन सेट किया हुआ है, और उस रिजर्वेशन के अंतर्गत ही जो है लेवल टू के लिए कॉल किया गया है। और जिन 43,949 लोगों को कॉल किया गया लेवल टू के लिए, उनमें से जो ये 6,500 लोगों को लेवल थ्री का कॉल आया है, वो भी इसी पूर्व निश्चित जो आरक्षण कैटेगरी है, आरक्षण का जो एक क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर ये कॉल आए हुए हैं। अब ये जो 6,500 लोगों को कॉल किया गया, तो वो 43,949 में से क्या तीनों का तीनों सही जवाब देने वालों को ही कॉल आया है? क्योंकि आप लोगों के सवाल थे कि जिन्होंने दो ही जवाब सही दिए या जिनका एक ही हुआ उनका, वो उनको भी आ सकता है क्या? तो उस पर हम बता दें कि यहाँ पे वैसे लिखा भी है, क्या लिखा है कि लेवल वन और लेवल टू, लेवल वन सही करने के बाद में ही लेवल टू का कॉल आया, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद उसके इवैल्यूएशन के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट मतलब कौन करेगा, रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगा ये 6,500 लोगों को लेवल थ्री के कॉल के लिए। और वो किस आधार पर करेगा, तो जैसा कि हमने कहा है वो ऊपर जो लेवल टू के लिए जो आधार बनाए, जो क्राइटेरिया बनाए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जोन, जेंडर एंड एज वाइज, उसी के आधार पर ये 6,500 लोगों का चयन होगा। अब और इनको अब क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा क्योंकि ये लेवल टू में इनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही कॉल आ रहा है। अब इसके आगे की प्रोसेस जो होगी, जिनको कॉल आ चुका है उन, वो लेवल फोर होगी, और लेवल फोर पर भी हम डिटेल्ड जानकारी पर के साथ में एक जो वीडियो है वो इसके बाद में देने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि ये तो 6,500 का सिलेक्शन होगा ही, पर अगर
मतलब वो तीनों के तीनों जो जवाब है उनमें से मतलब इस आधार पर भी जरूर है, पर जिन्होंने एक ही जवाब दिया उनका भी होगा क्या, किसी ने सही जवाब नहीं दिया उनका भी होगा क्या, ये भी तो सवाल आता है, क्योंकि हमारा कॉल तो आया ही था लेवल टू के लिए। तो ऐसे वक्त क्या होने वाला है, देखिए पहले जो दो प्रश्न थे लेवल टू में वो वैकल्पिक थे, मतलब ऑप्शनल थे, जिसमें तीन ऑप्शन दिए गए थे, और तीसरा जो प्रश्न है वो नियर टू करेक्ट वाला है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो जिन लोगों ने पहले दो प्रश्नों के सही उत्तर दिए ऐसे 6,500 लोग ढूंढे जाएंगे, मतलब इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा। अगर मान लीजिए दोनों के दोनों सही जवाब देने वाले 6,500 कैंडिडेट 43,949 में से नहीं मिलते, हालांकि उसके चांसेस हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ये मिल ही जाएंगे, अगर ऐसा होता है सपोज, तो फिर जिसने कम आंसर करेक्ट दिया है ऐसे को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कम आंसर करेक्ट का मतलब नियर टू नियरेस्ट, ये जो एनटीसी वाला है नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर वाला प्रश्न, तो उसका तो कोई आधार है ही नहीं, क्योंकि उसका आंसर करेक्ट दिया नहीं बोल सकते, उसको नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर दिया बोलना पड़ेगा। तो दो में से जिसने एक जवाब सही दिया फिर उनका चयन होगा। अब ऐसे भी उम्मीदवार में मान लीजिए इस क्राइटेरिया के अंतर्गत टाई हो जाता है, तब फिर क्या होगा, दोनों में नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर जिसने दिया है फिर उसका विचार किया जाएगा। तो इस तरीके पर, हालांकि अगर हमें पर्सनल राय जैसा पूछा जाए तो मेरे हिसाब से तो उम्मीदवार कई ऐसे मिल जाएंगे कि उनको दो प्रश्न के सही उत्तर भी दिया गया है और नियरेस्ट टू करेक्ट वाला भी सही हो गया एग्जैक्ट, ऐसे भी हो सकते। तो इतना मतलब कम आंसर देने वाले का जो चयन है या उसको लेवल थ्री का कॉल आने की संभावना हमें बहुत कम लगती है, हालांकि ये जो सिस्टम है ये इन्होंने पहले से निर्धारित कर रखा है, और ये जानकारी हमें आप तक पहुंचाना जरूरी लगता था करके हमने ये जानकारी अब तक पहुंचाई है। तो दोस्तों लेवल थ्री की जो ऑडियो है वो ऑडियो IVR कॉल वाली आपको सुनाने से पहले और एक चीज़ हम करना चाहेंगे, और वो ये है कि लेवल फोर जो है, लेवल फोर कब होगा इसका जो टाइम टेबल है ये भी KVCC की टीम ने पहले से निर्धारित कर रखा है, और यह है 30 मई 2020 से लेकर 7 जून 2020। तो ऑब्वियसली ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि लेवल फोर का जो शेड्यूल है वो लेवल थ्री की ऑडियो में आप तक बताया जाता है। तो हमें जो कॉल आया मीन्स सॉरी हमें नहीं आया, पर जो IVR कॉल हम आपको सुना रहे हैं उस कॉल में जो टाइम टेबल बताया है वो है 6 जून 2020 को जो आगे प्रोसेस है लेवल फोर की, मतलब जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो है ऑनलाइन टेस्ट और जो वीडियो अपलोड करना, मतलब वीडियो प्रेजेंटेशन। तो ये जो करने की प्रोसेस है या वो जो डेट है जिसके लिए आपको पूछा जाता है IVR कॉल में कि क्या आप उस तारीख को फ्री रहोगे क्या, आपको उसका जवाब हाँ ही देना है, और वो तारीख फिलहाल तो भी इसी पीरियड में 30 मई से 7 जून के पीरियड में जो होने वाला था उसके बीच के बराबर 6 जून 2020, यही तारीख हम जो है ये IVR कॉल में भी बताई गई है, और हमें जो मतलब हमारे जो दर्शक ने हमें बताया कि उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने भी उनको भी जो तारीख बताई गई थी वो भी 6 जून 2020 ही बताई गई है। तो अगर इसका एक ही तात्पर्य है कि 6 जून 2020 को ये पूरा लेवल फोर का पूरा प्रोसेस होगा, लेवल फोर की प्रोसेस होगी, और उसकी जानकारी जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा है कि हम एक सेपरेट वीडियो में लेवल फोर की पूरी जानकारी बताएंगे। अब हो सकता है, हमें ऐसा लगता तो नहीं कि 6 तारीख के अलावा और कोई तारीख को ऑडिशन होगा, पर अगर ऐसा हो तो आपके उस तारीख को कंसीडर करना है, पर हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल 6 जून 2020 को लेवल फोर या अगला जो ऑनलाइन ऑडिशन जो है वो होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट और वीडियो प्रेजेंटेशन होगा। अब ये IVR कॉल में क्या क्या पूछा जाता है वो तो अभी जब हम IVR कॉल 6 मिनट 58 सेकेंड का है वो सुनाएंगे ही, पर वो कॉल सुनाने से पहले उस कॉल के संदर्भ में हम दो से तीन चीज़ें बताना चाहेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग जो कॉल की होंगी वो तो आपको लैंग्वेज जो है लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आपने रजिस्टर किया क्या करके पूछा जाता है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड चीज़ है कि आपने रजिस्टर किया क्या वगैरह अगर पूछा गया तो उसको भी यस ही सिलेक्ट करना है, और जब पूछा जाता है जैसा कि अभी इसके पहले अभी जस्ट कहा कि आपको ऑडिशन की डेट बताई जाएगी और उस डेट को आप फ्री है क्या, तो उसमें भी आपको यस सिलेक्ट करना है, और अगर
उसके बाद मतलब लेवल फोर कंप्लीट करने के बाद अगर आपका जो है मुंबई के मेन प्रोग्राम की शूट के लिए अगर कभी सिलेक्शन होता है तो उसके लिए वो जो होगा वो जुलाई से लेकर नवंबर 2020 के बीच कभी भी हो सकता है, तो तब आपको मुंबई जाना पड़ेगा और उसके लिए आप फ्री है क्या या आप तैयार है क्या ये भी पूछा जाता है, उसका भी जवाब आपको यस ही सिलेक्ट करना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आपको बताए गए हैं वहाँ पे बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से, तो एक पहचान पत्र, जो भी पहचान पत्रों के लिए लिस्ट है मतलब कौन सा पहचान पत्र, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, और दूसरा पते का प्रूफ मतलब कि एड्रेस प्रूफ। तो ये दोनों में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह जैसा जो डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी चलता है और पते के प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए भी चलता है। तो अगर मान लो आप अगर एक ही डॉक्यूमेंट दोनों काम के लिए दे रहे हो तो आपको जो 5 जून 2020 या उसके पहले जो उनका जो मेल एड्रेस है उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं मेल से, तो उस वक्त हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सेम डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहते तो भी उसको जो एड्रेस प्रूफ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अलग अलग से एक ही मेल में पर अलग दो अलग अलग पिक्चर की, भाई ये एड्रेस प्रूफ है और एक जो है ये आइडेंटिटी प्रूफ है, इस तरीके से अटैच करके भेजिएगा, ये हमारा जस्ट सजेशन रहेगा। तो अभी हम जो है उस ऑडियो को सीधा प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे 6 जून बोला गया है, हमारी जानकारी में भी 6 जून ही सबको मिला होगा शायद, पर अगर आपको 6 जून के जगह दूसरी तारीख मिली हो जिसकी संभावना हमें नहीं लगती, पर अगर ऐसा हुआ हो तो आप उस तारीख को जो है कंसीडर करिएगा। और यहाँ जो ये जो ऑडियो है ये एक्चुअली 6 मिनट 58 सेकंड की नहीं है, अगर देखा जाए तो 3 से 4 मिनट की ही है, पर जिस भी कंटेस्टेंट का ये कॉल होगा जो हमें IVR कॉल मतलब हमें ऑडियो मिली है, वह ऑडियो कॉल में उन्होंने जो है एक बार 3-4 मिनट सुनने के बाद में उसको रिपीट सुना है और करके उसका मतलब वही चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट की गई है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि पूरे 6 मिनट 58 सेकंड आप सुने, भले ही आपने एक बार सुनी हुई चीज़ फिर से आपको सुननी पड़े पर फिर भी आप उसको पूरा का पूरा सुने ये हम चाहेंगे और पूरा अंत तक सुने ये हम चाहेंगे। अभी हम सीधा जो है वो ऑडियो प्ले कर रहे हैं और वो ऑडियो प्ले करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि वह ऑडियो हमें जो लेवल 2 की जो IVR ऑडियो भेजे थे किशोर कुशवाहा जी ने, उन्होंने ही लेवल 3 की भी ऑडियो भेजी है और करके हम किशोर कुशवाहा जी का हम स्पेशली फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी। तो दोस्तों ये जो ऑडियो है लेवल 3 की IVR कॉल इसे हम प्ले कर रहे हैं। क्रमचंद कौर या करोड़पति, प्लीज लेट मी नो द लैंग्वेज इन व्हिच यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस कॉल। हिंदी के लिए 1 दबाइए, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। कौन बनेगा करोड़पति के ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑनलाइन ऑडिशन 6 जून 2020 की तारीख को सुबह 11 बजे होगा। क्या आप ऑडिशन के समय उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई और नवंबर 2020 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। आपको अपने नाम और पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल के जरिए भेजना होगा। ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। पैन कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या UID
यानी आधार कार्ड आपको अपने आवासीय पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल के जरिए भेजना होगा। ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। टेलीफोन या बिजली का बिल या पासपोर्ट या मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या UID यानी आधार कार्ड आपको अपने नाम, मोबाइल नंबर और इन दस्तावेजों के साथ एक ईमेल 5 जून 2020 को या उससे पहले kbcresponse@setindia.com पर भेजना होगा। कृपया ध्यान दें कि आपको अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए ऑडिशन के दिन सुबह 10:30 बजे सोनी लिव ऐप पर लॉगिन करना होगा। जीके अर्थात सामान्य ज्ञान की परीक्षण सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और देर होने पर आपको लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। जब आप सामान्य ज्ञान परीक्षण पूरा कर लेंगे तो आपको अपने बारे में कुछ जानकारी वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करके भेजनी होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित बाकी निर्देश आपको ऑडिशन के दिन ही दिए जाएंगे। कृपया निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करें। ऑडिशन प्रक्रिया पूरी करने और अगले राउंड में जाने का मौका पाने के लिए आपको सभी वीडियो अपलोड करने होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। फिर से सुनने के लिए स्टार दबाइए। अब दोस्तों दरअसल यहाँ पे ये ऑडियो कंप्लीट हुई है, पर ये जो भी यूज़र होंगे इन्होंने स्टार दबाया, इन्होंने पूरा मैसेज फिर से सुना। एक्चुअली उसके बाद में भी कुछ चीज़ें बताई है और बताई गई है और करके आप भी ये ऑडियो फिर से सुने मतलब कोई स्टार्टिंग से फिर से नहीं चला रहा हूँ। 3:43 से अब जो 6:58 है मैं उस तक आगे प्ले कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। आपको अपने नाम और पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल के जरिए भेजना होगा। ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। पैन कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या UID यानी आधार कार्ड आपको अपने आवासीय पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल के जरिए भेजना होगा। ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। टेलीफोन या बिजली का बिल या पासपोर्ट या मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या UID यानी आधार कार्ड आपको अपने नाम, मोबाइल नंबर और इन दस्तावेजों के साथ एक ईमेल 5 जून 2020 को या उससे पहले kbcresponse@setindia.com पर भेजना होगा। कृपया। अब दोस्तों ये आपने सुने होंगे, फिर से एक बार हम यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि अगर आप यहाँ पे अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड है वो दोनों तरीके के पहचान पत्र के लिए, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ और पते का प्रूफ, दोनों तरीके के पहचान के लिए जो है वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। अब अगर मान लो आप ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए। पहली बात तो हम अगर हमसे पूछा जाए तो हम एक रिकमेंड करेंगे कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए अलग डॉक्यूमेंट और जो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट, ऐसे दो अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजे। अगर आप सेम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी चलेगा। पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप क्योंकि कभी कभी क्या होता है नाम के ही नीचे एड्रेस प्रूफ रहता है तो आप सेम फ़ोटो दो बार भेजिए, दो बार मतलब एक ही मेल में दो बार दो अलग अलग फ़ोटो जो है ऐड करके भेजिएगा, क्योंकि आप एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक ही फ़ोटो अगर भेजते हैं
तो कभी कभी दिक्कतें हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हम जो, क्योंकि ये जस्ट एक सेफ्टी के लिए हम ये राय बता रहे हैं, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से भेजो, पर ये ज़्यादा बेटर होगा, साफ दिखेगा कि अच्छा ये एड्रेस प्रूफ के लिए भेजा है और ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भेजा है करके। और अगर आप दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट भेज रहे तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको ये मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है। अभी अगर आपने एसएमएस वगैरह किया हो तो आपने ऑब्वियसली अगर एसएमएस के जरिए जवाब दिया है तो आपका कोई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो है ही नहीं, तो ऐसे वक्त में आप जो है आपके खुद की नाम का कोई भी रजिस्टर्ड मतलब ईमेल आईडी से भेज सकते हो। और अगर आपने सोनी लिव ऐप से अगर आंसर दिया हुआ है या अगर आपने दोनों से आंसर दिया हुआ है, मतलब आपने सेम नंबर एसएमएस प्लस सोनी लिव ऐप दोनों में है, तो ऐसे वक्त हम रिकमेंड करेंगे कि सोनी लिव ऐप में जो नंबर रजिस्टर्ड है उससे आप कॉल करिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्या किया होगा उस वक्त को जो भी आंसर है वही, जैसे हमने भी करते थे कि सोनी लिव ऐप से भी वही आंसर दिए और हमारे नंबर से भी वही आंसर दिए। अब उसमें दोनों में अगर सेम नंबर रजिस्टर्ड है और अगर हमें कॉल आया हुआ है तो वो एसएमएस के लिए आया या सोनी लिव ऐप पर दिए हुए आंसर के लिए आया, ये हमें पता नहीं चलता। तो करके सोनी लिव ऐप पर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वहाँ पे जो नंबर है उसी ईमेल आईडी है उसी आईडी से आप जो है ये मेल करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे सुनते हैं। ध्यान दें कि आपको अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए ऑडिशन के दिन सुबह 10:30 बजे सोनी लिव ऐप पर लॉगिन करना होगा। जीके अर्थात सामान्य ज्ञान की परीक्षण सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और देर होने पर आपको लॉगिन करने की अनुमति नहीं होगी। जब आप सामान्य ज्ञान परीक्षण पूरा कर लेंगे तो आपको अपने बारे में कुछ जानकारी वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करके भेजनी होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित बाकी निर्देश आपको ऑडिशन के दिन ही दिए जाएंगे। कृपया निर्देशों का बहुत सावधानी से पालन करें। ऑडिशन प्रक्रिया पूरी करने और अगले राउंड में जाने का मौका पाने के लिए आपको सभी वीडियो अपलोड करने होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है और केबीसी के ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए लॉगिन करना है 6 जून 2020 सुबह 10:30 पर। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। अब दोस्तों आपने पूरी ऑडियो भी सुने होंगे तो एक चीज हम और एक बार बता दें कि आपको बिल्कुल आपको जो भी यहाँ पे जैसा बताया गया है 5 जून 2020, अगर आपको दूसरी तारीख दी गई होगी उसकी चांसेस हमें कम लग रहे हैं, पर अगर ऐसा हुआ है तो उस तारीख को आपको बराबर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करने हैं। और जैसा कि इस ऑडियो में बताया गया है 6 जून को 10:30 बजे लॉगिन करना है और लेट अगर करते हैं तो उनको लॉगिन करने की या आगे बढ़ने की लेवल 4 में आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल आपका जो भी दिया हुआ समय है उसी समय पर आपको लॉगिन होना है। अब ये भी हो सकता है कि सभी को 10:30 बजे ना बोला हो, तो आपको जो भी समय बोला है उस समय पर ही बराबर लॉगिन हो जाए। और जो आगे की फिर प्रोसेस है कि लेवल 4 में फिर वो जो ऑडिशन मतलब वो जो पूरी ऑनलाइन टेस्ट है या वो जो वीडियोज है जिसके बारे में कहा गया है उसके संदर्भ में पूरी जो जानकारी है वो पूरी की पूरी जानकारी जो है हम लेवल 4 पर जो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे वो शायद इससे इतनी बड़ी भी नहीं रहेगी, तो उस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि आपको जो वीडियो डालने हैं वो किस तरीके के वीडियो डालने पड़ सकते हैं। कि हम क्योंकि हम बार बार कहते हैं वी आर नॉट ऑथोराइज पर्सन्स ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, हम बिल्कुल केबीसी की कोई भी अधिकृत पर्सन नहीं है और हम कभी नहीं कहते कि हमारे वीडियोस पर भी 100% भरोसा कर दो। हम बाकी यूट्यूबर्स की तरफ बिल्कुल भी
नहीं है जो आपको कहे कि आग बंद करके हमारे पर भरोसा करो और हमके भरोसे रह जाओ। आप स्वयं भी सोनी की जो वेबसाइट है जिसकी लिंक हम शर्तों के TNC की दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू ही जाए, हम यही रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों आपने पूरी ऑडियो सुनी होंगी, करीब 8 मिनट की समथिंग, मतलब 6 मिनट 58 सेकंड, मतलब 7 मिनट की ऑडियो थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हुई है, पूरी जानकारी इनके साथ में जब हमने दे रहे हैं तो। और लेवल 4 की जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, जल्द ही देने वाले हैं। अगले ही वीडियो में हम देंगे ये KBC के बारे में, जो ये हमारी अगली वीडियो रहेंगी उसमें लेवल 4 की पूरी जानकारी देंगे। और हम ये भी जानकारी देंगे कि लेवल 3 के ये 6,500 कंटेस्टेंट में से या ऑडिशनी में से कितने लोगों का लेवल 4 में सिलेक्शन होगा या हो सकता है। ये कम अनुमानित आंकड़ा जो है हमारे अंदाज के हिसाब से, वो भी हम जरूर देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी लंबी हुई है पर पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने पूरी देख ली है तो थैंक यू सो मच। और साथ में अगर आपके सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि ये लेवल 3 का जो कॉल है वो किस तरीके से आता है। और लेवल 4 की अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप तक हमारे जो अपडेट्स हैं वो नियमित तौर पर और सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में बिल्कुल KBC लेवल 4 की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। With the baby, with the baby.